नमस्कार, मैं हूं अन्नू सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। मुजफ्फरपुर में सड़क 2 को लेकर मुकेश भट्ट, महेश भट्ट और आलिया भट्ट पर परिवाद दर्ज। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में फिल्म निर्माता, निर्देशक महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और अदाकारा आलिया भट्ट पर परिवाद दायर हुआ है। ये परिवाद मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सोनू कुमार ने CJM कोर्ट में दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में जवानों को किया संबोधित, कहा हिमालय से ऊंची हमारी हिम्मत है, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी आज लेह में जवानों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने जवानों की हिम्मत की तारीफ की। पीएम ने कहा कि हिमालय से ऊंची हमारी हिम्मत है, जब देश की रक्षा आपके हाथ में है, आपके इरादे मजबूत हैं, तो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चित। बिहार में मिले 231 नए कोरोना मरीज, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 10,914। बिहार में कोरोना का कहर काफी तेजी से फैल रहा है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की तादाद में मरीज की संख्या सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 231 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,914 हो गई है। बिहार में बढ़ रहे कोरोना विस्फोट पर विपक्ष की मांग, बिहार में अनलॉक 2 लागू है। इधर कोरोना विस्फोट लगातार हो रहा है, हर दिन मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार से गुहार लगाई है कि संक्रमण रोकने के लिए सरकार विचार करे, हम सभी विपक्षी दल आपके साथ हैं। PMCH में अगले 3 दिनों के लिए COVID-19 टेस्ट हुआ बंद। PMCH के कोरोना संक्रमित चिकित्सकों में कई सीनियर डॉक्टर, कई विभागों के HOD और जूनियर डॉक्टर भी शामिल है। इसके बाद सैनिटाइजेशन के लिए PMCH में अगले 3 दिनों के लिए COVID-19 का टेस्ट बंद कर दिया गया है। भागलपुर में मनरेगा योजना के तहत 1000 प्रवासियों को मिलेगा रोजगार। जिला परिषद के माध्यम से भी मनरेगा के क्रियान्वयन का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसके प्रवासी मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। इस संबंध में सरकार से मिले निर्देश पर भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह ने मनरेगा के अंतर्गत योजनाओं की सूची जिलाधिकारी को सौंपी। जिला परिषद के माध्यम से जिले में होने वाले करीब 500 योजनाओं की सूची सौंपी गई है। पटना महावीर मंदिर में अत्याधुनिक तरीके से होगी मॉनिटरिंग। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से लोगों के बचाव के लिए राजधानी पटना स्थित हनुमान मंदिर हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसके लिए कई तरह की मशीनें भी हनुमान मंदिर परिसर में लगाई गई है। मृतक दूल्हे के पिता पर FIR दर्ज, शादी में 100 से ज्यादा लोग हुए थे कोरोना से संक्रमित। 15 जून को पालीगंज के डीपाली गांव में हुई इस शादी से 2 दिन बाद ही दूल्हे अनिल कुमार की कोरोना वायरस से मौत हो गई थी। मृतक दूल्हे के पिता पर आरोप है कि शादी में उनकी तरफ से 50 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे। समारोह में भाग लेने वाले 100 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दूल्हे के पिता सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। वह 72 साल की थी। सरोज को सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के बांद्रा में स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन पहले ही उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था, जो नेगेटिव आया। जानकारी के मुताबिक आज रात 1:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के चारकोप कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। सावन में बाबा बैद्यनाथ का ऑनलाइन दर्शन करेंगे श्रद्धालु, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। सावन में भले ही श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते हो, लेकिन वह सावन में भगवान का ऑनलाइन दर्शन जरूर कर सकते हैं। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। अस्पताल में नर्सों ने किया काम करने से इनकार। कटिहार सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना योद्धा के रूप में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी की कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सुरक्षात्मक उपकरण व समुचित तरीके से व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट GS रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो आज का सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी कंगारू और ऑप्शन डी चीता। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन जिलों में हो सकता है वज्रपात। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के कई इलाकों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक ताजा अलर्ट में बांका जिले के भुड़िया, बड़हट, बौसी, रजौन और भागलपुर जिले के सनहौल इलाके में वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले और साथ ही
साथ खेत खलियान में काम करने वाले लोग किसी सुरक्षित जगह पर शरण ले। किसी भी स्थिति में पेड़ों के नीचे शरण ना ले और ना ही खुले में रहें। पूर्णिया में महानंदा नदी खतरे के निशान से नीचे। पूर्णिया में नदियों का जलस्तर में उतार चढ़ाव हो रहा है। बायशी के टेंगड़ाहा घाट में महानंदा नदी अब खतरे के निशान से नीचे है। करीब 7 दिनों के बाद जलस्तर डेंजर लेवल से नीचे पहुंच गया। परमान नदी के जलस्तर में भी काफी गिरावट आई है। अररिया में परमान नदी डेंजर लेवल से नीचे है। बाढ़ नियंत्रक के मुख्य अभियंता के मुताबिक फिलहाल नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है। विभाग 24 घंटे अलर्ट है। मुंगेर में आज से ई चालान की सेवा शुरू। अब वाहनों एवं वाहन चालकों के मालिकों को यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। मुंगेर में वाहन चालकों एवं वाहन के मालिकों ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि आज से मुंगेर में परिवहन विभाग द्वारा ई चालान की सेवा शुरू कर दी गई है। अब वाहन चालकों एवं वाहन के मालिकों द्वारा यातायात के नियमों की अनदेखी करने के बाद फाइन के लिए परिवहन विभाग के कार्यालयों का दिन भर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब ई चालान के माध्यम से ऑन स्पॉट यातायात के नियमों की अनदेखी करने वाले की फाइन काटी जाएगी। चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रश्न के सही जवाब का। कल के प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिंह। जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत बधाई। उनमें से जो सबसे पहले 20 ने जवाब दिए उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: मिथुन पटेल, उसके बाद है अभिनव मानस, सनी पराशर, शिवम कुमार, संकेत शिवम, सरफराज आलम, सचिन सिंह, मोहित पंडित, संजीव सुमन और गौरव शर्मा।